आज हम सब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेके बैठे थे और ये जो पूरे देश पे पूरे विश्व पे संकट मंडरा रहा है उसके खिलाफ क्या करना चाहिए ये तो अब पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन उसका अमल कैसा करना चाहिए इसके बारे में गहरी सोच है। मुझे लगता है कि मुंब्रा शहर में लोग आराम से इसको ले, ये बहुत दुख की बात है। अगर आपको इसकी गंभीरता नहीं मालूम है तो आपको खुदा भी नहीं बचाएगा। आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, घर बैठिए। जिसको लॉकडाउन कहते हैं वो लॉकडाउन मतलब ये नहीं है कि सब बंद हो जाएगा। लॉकडाउन यानी आपको इतना ही कहा गया है कि घर से बाहर मत निकलो। जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक घर से बाहर मत निकलो। खुद को खुद के ऊपर मर्यादा लगा। जिस तरीके से हम ग्रुप में खड़े रहते हैं, चर्चा करते हैं, माहौल कोई चाय की टपरी पे खड़े हो जाते हैं, ये दिन वैसा नहीं है। इस वायरस के ऊपर अभी तक कोई दवाई नहीं मिली है। इस वायरस से बचना यही उसके ऊपर की सबसे बड़ी दवाई है। दो दिन घर में बैठे तो क्या दुनिया डूबने वाली है? जान बचाए तो यानी हमारे मराठी में कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी 50। जान बचाओ, तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। उद्धव ठाकरे जी है और राजेश टोपे जी है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के आपके पास आ रहे हैं और बोल रहे घर जाओ तो भी आप सुन लीजिए। मैं फिर से शासन की तरफ से आपका आमदार होने के नाते आपसे इतनी ही गुजारिश कर रहा हूं, घर बैठिए। बाहर बैठना बाहर घूमना अब नहीं चला दिया जाएगा। लॉकडाउन यानी लॉकडाउन, सिर्फ भाजी तरकारी की दुकान शाम को 6 से 8 बजे तक खुली रहेगी, बाकी पूरी सड़क हम खाली रखने वाले हैं। हमको आपकी जान बचानी है, आपकी जान हमारे लिए भी बहुत कीमती है। और हो सके तो घर में नींबू पानी पीजिए, हो सके तो गुड़ और सिंगदाना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे पता नहीं, वो खाइए, संतरा खाइए, विटामिन सी की टैबलेट लीजिए। ये कोरोना के ऊपर उपाय नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रतिकार शक्ति है जिससे आप वायरस से लड़ सकते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ सकते हैं, जो हकीम साहब हमेशा बताते आए, जो हमारी मां हमें बताते आई है, वो इलाज घर में बैठ के कीजिए। हो सके उतना गर्म पानी पीजिए, हो सके उतनी नींबू खाइए, हो सके उतना संतरा खाइए, हो सके उतनी विटामिन सी की सुबह और शाम को टैबलेट्स लीजिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाइए। और पुलिस को सहकार्य कीजिए, पुलिस तुम्हारी जान बचाने के फिक्र में आज काम पे लगी है, उनका एहसान है, उनके लिए दुआ कीजिए। और मुंब्रा को जो रोग घेरने वाला है उसे भगा दीजिए, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।